तो एक बार वो कर लेते हैं आनंद का, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आनंद, तो ये जो खूबसूरत तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं किस तरह से उत्साह लोगों के बीच है। और कुछ तस्वीरें हम चाहेंगे आप बोले कैमरा पर्सन से, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। मोनिका, आप खुद एक महिला है, आदि शक्ति है, कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक है जो भारतीय तौर पर पूजी जाती है। और आपको मैं लेकर चलता हूँ कुछ महिलाओं पे, जहाँ जानूंगा कि क्या बीजेपी सरकार में जो कार्य किए थे महिलाएं उसको कैसे देखती है। आइए कुछ लड़कियां एक बार फिर चलते हैं उनकी तरफ। ये बताइए कितनी खुश है बीजेपी गवर्नमेंट से, क्या महिलाओं को लेकर जो काम किया है, कितना सड़क पर उतरा है? बहुत बहुत ज्यादा हम लोग खुशी है इस चीज को लेकर के कि मोदी जी ने बहुत महिलाओं के लिए किया है। इसका हम लोग बहुत आई विटनेस है इस चीज को लेकर के, क्योंकि हम पहले के जमाने में जैसे महिलाओं खुले घूमती नहीं थी, वो चीजें हुई है। एजुकेशन को लेकर के महिलाओं को बहुत सी चीजें मिली है, जैसे एजुकेशन में पहले महिलाओं को उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज के डेट में मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। जैसे ग्रेजुएशन के बच्चों को लैपटॉप बांटना, पैसे बांटना, बहुत सी स्कीम चलाई है उन्होंने। रूरल एरिया में महिलाओं को बहुत दिक्कतें होती थी, उनको गैस में खाना बनाने की दिक्कतें होती थी, जो कि उन्होंने वो प्रदान किया है। महिलाएं जो रूरल एरिया की महिलाएं थी वो बाहर शौच में करने जाती थी, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती थी उनको, लेकिन मोदी जी ने उनके लिए पैसा दिलवाया। आवास योजना ने उन्होंने शुरू किया कि हर घर सब लोग के। ये बताइए, अब तो पार्लियामेंट यानी संसद में भी आरक्षण है 33%, आगे होगा लेकिन कर दिया गया, संसद में भी आरक्षण होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम, कैसे देखती है? कैसे देखती है मतलब, हाँ मोदी सरकार ने बहुत सही किया, मतलब महिलाओं के प्रति इन्होंने इतने सारे काम किए। अभी रिसेंट में बताया जाए तो जो बच्चे ग्रेजुएशन, जो बच्चे मतलब इंटर पास किए हैं, ट्वेल्थ पास किए हैं, उनके लिए मोदी सर, उनके लिए और उनके लिए मोदी जी ने अभी रिसेंट में लैपटॉप दिया है। विकास की योजनाएं हुई हैं यहाँ पे, विकास को लेकर काम हुआ है, सड़क नाली पानी? विकास तो बहुत हुआ है बनारस में, हर जगह की रोड खराब थी तो अब अच्छी हो गई है, चौड़ी हर जगह हाईवे निकल गए हैं, जीटी रोड हो गए हैं, जितने मतलब जाता हमारे मोहल्ले में किसी ने रोड बनने नहीं दिया, बिल्कुल बार बार तुड़ाई हुआ, लेकिन बिल्कुल आनंद सब... ये सारी जो बच्चियां हैं काफी उत्साहित हैं और काम से खुश हैं, और ये हमारे युवा वोटर